Hello students, in the last video we have studied about the bandwidth of the signal and bandwidth of the system. Now in this video we will study about the correlation. Correlation two types ke hote hain aapke, auto correlation and cross correlation. Basically ye aapka communication system ka topic hai. Jab aap random process study karenge communication system mein, tab aap correlation ko bahut detail mein padhenge. Lekin main aapko basics dunga yahan par जो कि आपके कम्युनिकेशन में आपको हेल्प करेंगे, कम्युनिकेशन सिस्टम की स्टडी में. तो बेसिकली आपके जो कोरिलेशन होते हैं टू पार्ट्स पे डिवाइडेड हैं, टू टाइप्स के होते हैं, क्रॉस एंड ऑटो. तो जो हम फोकस करेंगे अपने सिलेबस में, जो कम्युनिकेशन सिस्टम में भी मेन है आपके लिए, वो है आपका ऑटो कोरिलेशन. बेसिकली कोरिलेशन होता क्या है, एक सिग्नल का दूसरे सिग्नल के डिलेड वर्जन के साथ रिलेशनशिप. अगर दोनों सिग्नल डिफरेंट हैं तो क्रॉस हो जाता है. अगर उसी सिग्नल का उसी सिग्नल के डिलेड वर्जन के साथ रिलेशनशिप आप एनालाइज करते हैं, देन इट इज ऑटो कोरिलेशन. क्लियर? सो मैं यहां पर फॉर्मुलेज आपके लिए दोनों के लिए लिख देता हूं, बट हम लोग फिर ऑटो कोरिलेशन पे पूरा फोकस करेंगे. तो जो क्रॉस कोरिलेशन का फॉर्मूला होता है वो इस तरीके से आप इंडिकेट करते हैं, आर एक्स वाई टाउ. यही नोटेशन एग्जाम में भी यूज होता है, तो ये नोटेशन आपको पता होना चाहिए. तो यहां पर ये डिपेंड करेगा फॉर्मूला आपके कि सिग्नल्स आपके पीरियोडिक हैं कि नॉन पीरियोडिक हैं. इफ सिग्नल्स आर नॉन पीरियोडिक, तब फॉर्मूला आपका कुछ इस तरीके से बन जाता है, माइनस इन्फिनाइट से प्लस इन्फिनाइट एक्स टी वाई टी माइनस टाउ डी टी. ये आपका फॉर्मूला होता है जब आपके सिग्नल्स पीरियोडिक नहीं होते हैं. लेकिन अगर आपके एक्स टी एंड वाई टी पीरियोडिक हैं तो फॉर्मूला कुछ इस तरीके का होता है, लिमिट टी टेंस टू इन्फिनिटी वन बाय टी माइनस टी बाय टू से प्लस टी बाय टू एक्स टी वाई टी माइनस टाउ डी टी. ठीक है? तो ये फॉर्मुलेज आपके जस्ट जैसे आपने एनर्जी एंड पावर सिग्नल स्टडी किया था, तो पीरियोडिक सिग्नल्स के केस में हम लोग पावर कैलकुलेट करते थे और नॉन पीरियोडिक के केस में जनरली एनर्जी कैलकुलेट करते थे. ठीक है ना? इफ द सिग्नल इज एब्सोल्युटली इंटीग्रेबल. तो ये फॉर्मूला भी आपका ऐसे ही है. पावर सिग्नल में आपका वही होता था, लिमिट टी टेंस टू इन्फिनिटी वन बाई टी. ठीक है? तो मिलता जुलता फॉर्मूला है. तो ये दो अलग अलग फॉर्मूले हैं आपके. कब यूज करेंगे आप? जब सिग्नल्स पीरियोडिक होंगे या नॉन पीरियोडिक होंगे. ना ऑटो कोरिलेशन में क्या होगा? ऑटो कोरिलेशन में आप आर एक्स वाई टाउ की जगह लिखेंगे आर एक्स एक्स टाउ, और फर्स्ट फॉर्मूला बिल्कुल सेम हो जाएगा, फिर से एक्स टी, बट यहां पर वाई की जगह फिर से एक्स होगा, तो एक्स टी माइनस टाउ डी टी. और सेकेंड फॉर्मूला, लिमिट टी टेंस टू इन्फिनिटी वन माइनस टी बाय टू से प्लस टी बाय टू एक्स टी माइनस टाउ डी टी. तो ये आपका फॉर्मूला बन जाएगा ऑटो कोरिलेशन का एंड क्रॉस कोरिलेशन का. फॉर्मूले तो हमने लिख लिए हैं, लेकिन हम क्रॉस कोरिलेशन पे अभी फोकस नहीं करेंगे. हम पूरा फोकस अपना रखेंगे ऑटो कोरिलेशन पर. तो हम लोग स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग प्रॉपर्टीज देखते हैं ऑटो कोरिलेशन की. तो जैसे मान लीजिए आप आर एक्स एक्स जीरो करते हैं, मतलब आप टाउ की वैल्यू जीरो करते हैं. तो आप देखिए यहां पर जो पहला फॉर्मूला है जिसमें आपका एक्स टी पीरियोडिक नहीं है, उसमें अगर मैं टाउ की वैल्यू जीरो पुट करूं तो क्या हो जाएगा? एक्स टी इंटू एक्स टी हो जाएगा. तो क्या आ जाएगा? एक्स स्क्वायर टी. तो यहां पर हमारा फॉर्मूला बन जाएगा माइनस इन्फिनाइट टू प्लस इन्फिनाइट एक्स स्क्वायर टी डी टी. तो अगर आपको ये फॉर्मूला याद हो, अगर आपने प्रीवियस वीडियोज देखी हुई हैं, तो आपको पता होगा ये फॉर्मूला होता है आपका एनर्जी का. दैट मीन्स आर एक्स एक्स जीरो विल गिव यू द एनर्जी इफ द सिग्नल एक्स टी इज नॉन पीरियोडिक. नाउ फिर से अगर दूसरे फॉर्मूले में मैं आर एक्स एक्स जीरो पुट करूं, तो देखिए अंदर तो एक्स स्क्वायर टी ही होना है, बट बाहर में ये लिमिट टी टेंस टू इन्फिनिटी और वन बाई टी के टर्म्स भी आपके आ जाएंगे. तो यहां पर आप कैसे लिखेंगे? लिमिट टी टेंस टू इन्फिनिटी वन बाई टी माइनस टी बाय टू से प्लस टी बाय टू एक्स स्क्वायर टी डी टी. तो ये आपका किसका फॉर्मूला हो जाएगा? यहां पर पावर का. तो हमें पता होना चाहिए पहले से ही कि ये फॉर्मूले आपके एनर्जी एंड पावर के हैं. तो बेसिकली जो आर एक्स एक्स जीरो है विल गिव यू द एनर्जी ऑफ पावर
depending upon the signal is periodic or non-periodic. Clear है अच्छे से. और जो आपकी second property होती है वो ये होती है कि जो आपका RXX 0 है वो always greater than equal to होता है RXX tau के. इसकी क्या meaning है कि जो RXX 0 पे जो आपको energy और power मिलती है वो आपकी maximum value होती है. बाकी tau की किसी भी और value से वो हमेशा greater होती है. ठीक है ना, मतलब RXX tau की किसी भी और value पर आप calculate करो और RXX आप 0 पर calculate करो तो RXX 0 वाला always greater होगा RXX tau वाले से. बट जब tau की वैल्यू 0 होगी इस साइड भी तो दोनों इक्वल हो जाएंगे, इसलिए मैंने greater than equal to का साइन यहां पर यूज किया है. क्लियर है अच्छे से. नाउ नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो आपकी इंपॉर्टेंट है, अभी तो आपने RXX tau का इंटीग्रेशन वाला फार्मूला देख लिया, लेकिन आप अगर यहां ध्यान से देखें इन फॉर्मूलेस को जो इंटीग्रेशन के अंदर लिखे हुए हैं तो ये फॉर्मूले काफी मिलते जुलते होते हैं कॉन्वोल्यूशन से. कॉन्वोल्यूशन आपको याद होगा इंटीग्रेशन के अंदर था x tau h of t minus tau d tau. ठीक है ना, तो यहां पर ये काफी मिलता जुलता फार्मूला है. तो RXX tau का जो कॉन्वोल्यूशन के फॉर्म में फार्मूला होता है वो होता है x tau convolved with x of minus tau. तो ये रिलेशन हमें पता होना चाहिए RXX tau in form of convolution. अब यहां पर ध्यान से देखिए, मैं अगर बोथ साइड यहां फूरियर ट्रांसफॉर्म अप्लाई कर दूं तो RXX tau का जो फूरियर ट्रांसफॉर्म होगा, हमें पता है जब भी हम टाइम डोमेन में फूरियर ट्रांसफॉर्म लेते हैं तो फ्रीक्वेंसी डोमेन में आपका मल्टीप्लिकेशन हो जाता है जब टाइम डोमेन में आपका क्या हो जाए, कॉन्वोल्यूशन हो. क्लियर, तो यहां पर ये हो जाएगा xf इनटू x ऑफ माइनस f. क्लियर यहां तक. अब जो ये आपका फूरियर RXX tau है वो xf इनटू x ऑफ माइनस f आ गया. हम बहुत बार फूरियर ट्रांसफॉर्म में ये स्टडी कर चुके हैं कि xf और x ऑफ माइनस f दोनों क्या होते हैं, आपके दोनों का अगर आप मल्टीप्लाई कर दें तो वो हमेशा इक्वल होता है मॉड ऑफ xf के स्क्वायर के. ये हम लोग ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं. ठीक है ना, तो xf into x of minus f is always equal to mod of xf का स्क्वायर. ठीक है, तो यहां पर जो फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ RXX tau है आपका वो इक्वल हो जाएगा mod of xf के स्क्वायर के. और अगर मैं इसे प्रॉपर तरीके से लिख दूं तो RXX tau फूरियर ट्रांसफॉर्म mod of xf का स्क्वायर होता है स्पेक्ट्रल डेंसिटी. तो RXX tau का फूरियर ट्रांसफॉर्म होता है स्पेक्ट्रल डेंसिटी. ठीक है, दैट मींस xt का जो कोरिलेशन होता है उसका फूरियर ट्रांसफॉर्म xt की स्पेक्ट्रल डेंसिटी के इक्वल होता है. क्लियर है यहां तक अच्छे से, तो ये फार्मूला भी हमारी बहुत हेल्प करेगा आगे आने वाले न्यूमेरिकल्स में. तो इतना बेसिक्स आपको पता होना चाहिए ऑटो कोरिलेशन के बारे में कि RXX 0 आपको क्या प्रोवाइड करता है, बेसिक इंटीग्रेशन फार्मूला आपको पता होना चाहिए RXX tau का, RXX tau का आपको कॉन्वोल्यूशन फार्मूला पता होना चाहिए और आपको फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ RXX tau पता होना चाहिए कि स्पेक्ट्रल डेंसिटी होती है अभी के लिए. बाकी कम्युनिकेशन सिस्टम में आप इसे दोबारा से स्टडी करोगे और बहुत डीपली स्टडी करोगे जब आप रैंडम प्रोसेस स्टडी करोगे. तो यहां पर मैं सिग्नल सिस्टम के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ न्यूमेरिकल्स आपको सिखाता हूं यहां पर कि हम ऑटो कोरिलेशन कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं. सपोज करिए आपको कोई सिग्नल xt दिया हुआ है 2 cos 3 पाई t प्लस पाई बाय 6, ये आपको सिग्नल दिया है और आपको कह रहा है कि आप इस सिग्नल xt का ऑटो कोरिलेशन कैलकुलेट करिए. तो हम कैसे कर सकते हैं, तो यहां ध्यान से देखिए, cos है मतलब आपको पता है ये पीरियोडिक है, तो मैं यहां पे पीरियोडिक वाला फार्मूला यूज करने जा रहा हूं. तो जो पीरियोडिक वाला फॉर्मूला था RXX tau का वो क्या था, आपका लिमिट t टेंड्स टू इंफिनिटी 1 बाय t माइनस t बाय 2 से प्लस t बाय 2 xt x t माइनस tau dt. ये हमारा फॉर्मूला था. फॉर्मूले को आप भी कोशिश करिए हर एक क्वेश्चन में बार बार लिखिए, उससे क्या होगा आप फॉर्मूले को याद रख पाएंगे, फॉर्मूला आपके हैबिट में आ जाएगा यूज करना. ठीक है ना, वैसे अगर आप डायरेक्ट रटने जाएंगे तो कभी आप रट नहीं पाएंगे क्योंकि
इनफिनाइट नंबर ऑफ फॉर्मुले हैं पूरे सिलेबस में, अगर आप देखेंगे बहुत ज्यादा फॉर्मुलेज हैं। तो हमेशा लिखने की प्रैक्टिस करिए, हर एक क्वेश्चन में जहां जो फॉर्मूला यूज हो रहा है उसे लिखिए दोबारा से। तो यहां पर आप देखिए, अब लिमिट टी टेंस टू इन्फिनिटी 1 बाई टी माइनस टी बाय 2 से प्लस टी बाय 2 एक्स टी, मतलब 2 कॉस 3 पाई टी प्लस पाई बाय 6, फिर कितना है आपका एक्स टी माइनस टाउ, तो फिर से 2 होगा कॉस 3 पाई टी माइनस टाउ प्लस पाई बाय 6। बस टी की जगह आपको क्या पुट कर देना है, टी माइनस टाउ। अब यहां पर देखिए, लिमिट टी टेंस टू इन्फिनिटी, और ये 2 इंटू 2 4 आपका बाहर आ जाएगा 4 बाई टी, ठीक है। अब आपका होगा माइनस टी बाय 2 से प्लस टी बाय 2। अब देखिए यहां पर कॉस ए इंटू कॉस बी, 2 कॉस ए कॉस बी का एक्चुअल फॉर्मूला होता है, कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी, ठीक है ना। तो एक्चुअल में आप एक 2 को अंदर ही रहने दीजिए ताकि फॉर्मूले में कन्वर्ट हो जाए आपका, और एक 2 को आप बाहर कर दीजिए। तो 2 कॉस ए कॉस बी, कॉस ए प्लस बी, तो कॉस ए प्लस बी मतलब कितना हो जाएगा, कॉस 6 पाई टी माइनस 3 पाई टाउ प्लस पाई बाय 3, पाई बाय 6 प्लस पाई बाय 6, पाई बाय 3 हो गया, प्लस कॉस ए माइनस बी, तो 3 पाई टी 3 पाई टी कैंसल, तो 3 पाई टाउ बच जाएगा एक, क्योंकि पाई बाय 6 माइनस पाई बाय 6 भी कैंसिल हो जाएगा। तो ये जो ओवरऑल है साथ में क्या है आपका डी टी, ठीक है। तो अब आपको ये इंटीग्रेशन परफॉर्म करना है, ये आपके फंक्शंस आ गए हैं यहाँ पर। अब यहाँ पर आप थोड़ा ना ध्यान से समझिएगा, कैलकुलेशन वाइज यहाँ पर आपको आगे बढ़ने की ज़्यादा ज़रूरत थी नहीं, क्योंकि अगर आप ध्यान से समझें तो यहाँ पर देखिए बाहर में 1 बाई टी का टर्म है और लिमिट टी टेंस टू इन्फिनिटी है, तो लिमिट टी टेंस टू इन्फिनिटी पुट करने से 1 बाई टी का टर्म आपका जीरो हो जाएगा। बट अगर ये जो आपके दो टर्म्स हैं इंटीग्रेशन के अंदर, कॉस 6 पाई टी माइनस 3 पाई 2 प्लस पाई बाय 3, ये फर्स्ट टर्म हो गया, प्लस कॉस 3 पाई टाउ ये सेकेंड टर्म हो गया, तो ये जो दो टर्म हैं इनका इंटीग्रेशन करने से अगर कहीं भी टी कॉमन आ जाए, कैपिटल टी, तो कैपिटल टी कैंसिल हो जाएगा, जिससे लिमिट टी टेंस टू इन्फिनिटी पुट करने पे आंसर जीरो नहीं आएगा। तो आप देखिए क्या दोनों टर्म में से कैपिटल टी कॉमन आएगा आफ्टर इंटीग्रेशन, कि किसी एक टर्म से आएगा कि किसी से नहीं आएगा, ठीक है। तो आप देखिए t के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हो रहा है, तो cos, जब पहले cos का आप इंटीग्रेशन करेंगे तो साइन आएगा, और जब आप लिमिट पुट करेंगे t बाई 2 या माइनस टी बाई 2, तो वो साइन के अंदर जो t है वहां पुट होगी, साइन के बाहर कोई कैपिटल t आपका नहीं आएगा। तो इस टर्म के लिए आपका t टेंस टू इन्फिनिटी पुट करने पे आंसर हमेशा क्या आएगा, जीरो। बट अगर आप सेकेंड टर्म को देखें तो फिर से यहां देखिए इंटीग्रेशन टी के रेस्पेक्ट में हो रहा है, तो यहां पर अगर आप देखेंगे ये 3 पाई टाउ है अंदर, कॉस 3 पाई टाउ मींस ये कांस्टेंट हो गया, क्योंकि ये टाउ का फंक्शन है और इंटीग्रेशन टी के रेस्पेक्ट में है, तो कॉस 3 पाई टाउ तो इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगा। तो मैं यहां पर अब आपके लिए सिंप्लीफिकेशन कर देता हूं, लिमिट टी टेंस टू इन्फिनिटी 1 बाई टी, अब मैं सिर्फ सेकेंड टर्म को लूंगा, फर्स्ट टर्म को लेने की जरूरत नहीं है, तो एक्चुअल में यहां पर आपका 2 बाई टी है। तो देखिए कॉस 3 पाई टाउ तो इंटीग्रेशन के बाहर आ गया, कोई कांस्टेंट है, अंदर क्या बचा, माइनस टी बाय 2 से प्लस टी बाय 2 डी टी। तो अब अगर आप देखें लिमिट टी टेंस टू इन्फिनिटी 2 बाई टी कॉस 3 पाई टाउ, और अब आप देखिए टी बाय 2 माइनस ऑफ माइनस टी बाय 2 कितना होगा टी, तो t और t कैंसल, तो यहां पर क्या आ गया आपका 2 cos 3 पाई tau, ये आपका आ गया है r xx tau, क्लियर है अच्छे से। तो ये जो हमारा आंसर आया है ना, ये बहुत ही जनरलाइज्ड आंसर है, स्टैंडर्ड आंसर है, इसके थ्रू हम किसी भी cos या sin का आंसर लिख सकते हैं ऑटो कोरिलेशन का। थोड़ा ध्यान से समझिएगा, देखिए आपका फंक्शन क्या था, आपका फंक्शन था 2 cos 3 पाई टी प्लस पाई बाय 6, तो यहां पर 2 का 2 आ गया बाहर और कॉस 3 पाई टाउ, मतलब शिफ्टिंग का कोई फर्क नहीं पड़ा, जो 3 पाई टी था उसी में टी की जगह क्या आ गया, टाउ आ गया। तो क्या जो एम्पलीट्यूड रहेगा वही आंसर होगा,
एक्चुअल में ऐसा इस क्वेश्चन में आया है, बट ये रॉन्ग है. एक्चुअल में क्या होगा कि जो आंसर होता है आपका वो होता है एम्पलीट्यूड का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2. क्योंकि 2 का स्क्वायर 4 बाय 2 अगेन 2 ही होता है, तो आपको ऐसा लग सकता है. अगर आप कोई दूसरा एग्जांपल लेके सेम प्रोसेस को वापस रिपीट करेंगे तो आपको दिख जाएगा कि एम्पलीट्यूड का स्क्वायर डिवाइड बाय 2 आपका आंसर आता है. तो यहां पर अगर मैं आपके लिए अब जनरलाइज वे में आंसर लिख दूं, तो सपोज करिए कि जो XT है वो है आपका A cos ओमेगा T प्लस थीटा. थीटा ले रहा हूं क्योंकि फेज शिफ्ट की कोई मीनिंग है नहीं, थीटा कुछ भी हो, या हो आपका A sin ओमेगा T प्लस थीटा, कुछ भी हो, ओमेगा की वैल्यू भी कुछ भी हो, ऑलवेज जो ऑटो कोरिलेशन का आपका आंसर आएगा वो होगा ए स्क्वायर बाई 2 कॉस ओमेगा टाउ. फिक्स है आंसर आपका, कॉस ओमेगा टाउ ही आना है. अगर आप ध्यान से समझेंगे इस चीज को, तो मैंने आपको बताया था टाउ इक्वल टू 0 पुट करने पे पीरियोडिक सिग्नल के लिए पावर मिलता है. तो अगर आप यहां पर टाउ की वैल्यू 0 पुट करें तो ए स्क्वायर बाई 2 आ जाएगा, क्योंकि कॉस 0 1 होता है, और हमें पता है चाहे साइन हो चाहे कॉस हो पावर क्या होता है, एम्पलीट्यूड का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2. तो ये आपका वेरीफाई हो रहा है एक्चुअल में. तो अगर आपको एग्जाम में कॉस या साइन का ऑटो कोरिलेशन बोलता है निकालने के लिए, जो कभी बोलेगा नहीं, बहुत इजी क्वेश्चन है, सबको पता होता है आंसर, बट स्टिल अगर 1 मार्क में आ गया तो आप डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर सकते हो, ए स्क्वायर बाय 2 कॉस ओमेगा टाउ. क्लियर है अच्छे से? नाउ नेक्स्ट एक और क्वेश्चन हम लोग लेते हैं. यहां पर अभी हमने जो क्वेश्चन लिया था वो पीरियोडिक सिग्नल के लिए लिया था, अब हम क्वेश्चन लेते हैं नॉन पीरियोडिक सिग्नल के लिए. तो सपोज करिए सिग्नल है आपका ई की पावर -80 UT. तो नॉन पीरियोडिक सिग्नल या एनर्जी सिग्नल जो होगा आपके लिए, उसके लिए आप ये फॉर्मूला सोच सकते हैं, जो फर्स्ट वाला फॉर्मूला है वो आप लगा दें. लेकिन मैं आपको एक सजेशन दूंगा या ट्रिक बताऊंगा कि एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं इस तरह के और जो ऑप्शन जनरेट होते हैं वो जनरली इस तरीके से जनरेट होते हैं कि पीरियोडिक सिग्नल के लिए तो आप ये इंटीग्रेशन फॉर्मूला यूज करें और करना ही है, जैसा हमने अभी पहले क्वेश्चन में किया, बट नॉन पीरियोडिक सिग्नल के लिए आप हमेशा ये कॉन्वोल्यूशन फॉर्मूला यूज करें. ठीक है, इससे आपको जो आंसर मिलेगा वो बिल्कुल ऑप्शन के अकॉर्डिंग ही मिलेगा. ठीक है, दोनों से आपका आंसर सही होगा बट रिप्रेजेंटेशन डिफरेंट हो सकता है, इसलिए नॉन पीरियोडिक सिग्नल या एनर्जी सिग्नल के लिए ऑलवेज ये फॉर्मूला आप यूज करें. तो यहां पर अगर आप देखें अब, तो जो आपका क्वेश्चन है उसमें आप देखिए आर एक्स एक्स टाउ, हम फॉर्मूला यूज करेंगे एक्स टाउ कॉन्वॉल्व विथ एक्स ऑफ माइनस टाउ. तो यहां पर अगर मैं फोरियर ट्रांसफॉर्म ले लूं तो ये कितना हो जाएगा एक्स एफ इंटू एक्स ऑफ माइनस एफ, ये ऑलरेडी हम स्टडी कर चुके हैं. नाउ ई की पावर -80 UT का फोरियर ट्रांसफॉर्म या ई की पावर -8 TU का फोरियर ट्रांसफॉर्म, दोनों ही सेम थिंग है, टी हो चाहे टाउ हो दोनों टाइम ही है. तो हमें पता है क्या होता है, 1/a + j2πf, ये क्वेश्चन हम बहुत बार कर चुके हैं, और ये कितना हो जाएगा 1/a - j2πf. क्लियर, अब आपको पता है कि ये जो आपका हो जाएगा ये होता है मॉड ऑफ एक्स एफ का स्क्वायर, या आपको दिख भी रहा है ये, ठीक है ना, 1/a + b a - b, a स्क्वायर -b स्क्वायर, j स्क्वायर है तो -1 कॉमन आ जाएगा, तो a² + b² तो कितना आ जाएगा 1/a² + 4π² f². ये हमारा आंसर आ जाएगा यहां तक. तो ये जो आपका आंसर आया है ये फोरियर ट्रांसफॉर्म आया है ऑटो कोरिलेशन का, दैट इज स्पेक्ट्रल डेंसिटी आपकी आई है, लेकिन आपको ऑटो कोरिलेशन निकालना है, मतलब आपको इसका इनवर्स फोरियर कैलकुलेट करना होगा. तो इनवर्स फोरियर के लिए क्या आपने कभी ऐसा कोई फॉर्मूला कहीं पर देखा है? यस, मैं आपको याद दिलाता हूं, स्टार्टिंग की क्लासेस में आपने देखा है फोरियर ट्रांसफॉर्म की, ई की पावर -a mod of t का जो फोरियर ट्रांसफॉर्म आप लोगों ने देखा है वो देखा है 2a / a² + 4π² f². ठीक है, तो देखिए यहां पर डिनोमिनेटर पार्ट बिल्कुल सेम है, न्यूमरेटर में 1 है और आपको चाहिए 2a, या आप 2a को बोथ साइड डिवाइड कर दीजिए तो क्या हो जाएगा 1/2a e की पावर -a mod of t, फोरियर ट्रांसफॉर्म आपका क्या हो जाएगा,
1 upon a square plus 4 pi square f square. तो यही तो हमें चाहिए था, तो आपका जो auto correlation आ गया, वो आ गया 1 by 2a e की power minus a mod of tau. आपको tau के form में represent करना है, कोई problem नहीं है हमें, clear है अच्छे से. और आप चाहें तो यहां से आप rxx 0 calculate कर सकते हैं, जिससे आपको energy मिलनी चाहिए. तो e की power 0 1 होता है, तो energy आ गई 1 by 2a. और ये energy भी आप बहुत बार calculate कर चुके हैं, आपको याद होगी अगर आपने previous videos follow की हैं. तो आप देख सकते हैं दो तरीके हमने देखे यहां पर, एक तो हमने देखा convolution formula और एक हम लोगों ने देखा integration formula. दोनों ही तरीकों से आप auto correlation का calculation कर सकते हैं. depend करेगा कि जो आपका given signal है वो आपका periodic है कि वो आपका non periodic है. clear है अच्छे से. तो ये आपका basics finish होता है auto correlation का. लेकिन मैं आपके लिए अभी एक और question लूंगा, important question, जिसमें आप ऑटो कोरिलेशन निकालेंगे, स्पेक्ट्रल डेंसिटी ऑटो कोरिलेशन का रिलेशनशिप देखेंगे, एनर्जी निकालेंगे. तो आप देखिए क्या है ये क्वेश्चन. यहां पर आपको एक रेक्टेंगल वेव दी हुई है, रेक्टेंगल पल्स दिया हुआ है आपको, ठीक है, जो कि आपकी -2 से +2 तक है और एम्पलीट्यूड है आपका 10. और इसके लिए आपको कुछ क्वेश्चंस बोला है सॉल्व करने के लिए. पहला तो आपको बोला है कि इसकी एनर्जी निकालिए, जो कि आप बहुत इजीली निकाल सकते हैं. सेकंड क्वेश्चन आपको बोला हुआ है कि आपको एनर्जी स्पेक्ट्रल डेंसिटी कैलकुलेट करनी है. थर्ड क्वेश्चन आपको बोला हुआ है कि आप इसका ऑटो कोरिलेशन निकाल लीजिए, ठीक है. फोर्थ क्वेश्चन आपको बोला हुआ है यहां पर फाइंड द फूरियर ट्रांसफॉर्म, ठीक है, आपको फाइंड करना है फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ ऑटो कोरिलेशन और कंपेयर करना है जो आपका आंसर 2 में आया था. स्पेक्ट्रल डेंसिटी आना चाहिए ना, फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ ऑटो कोरिलेशन क्या होता है, स्पेक्ट्रल डेंसिटी, तो 2 इक्वल टू 4 होना चाहिए, दोनों आंसर आपके क्या होने चाहिए, सेम. क्लियर है अच्छे से. तो ये सारी चीजें हमको इस क्वेश्चन में परफॉर्म करनी है. तो जो फर्स्ट थिंग है आपकी एनर्जी, वो तो आप डायरेक्टली निकाल सकते हैं, फार्मूला हमें पता है माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी, बट यहां लिमिट क्या है -2 से +2 x स्क्वायर t. -2 से +2 के बीच में x स्क्वायर t कितना हो जाएगा 100 dt. तो आपकी एनर्जी कितनी हो जाएगी यहां पर, ये क्या हो जाएगा 2 माइनस ऑफ -2 4, दैट मींस 400 जूल. ये तो बहुत इजीली निकल जाएगी एनर्जी. अब आपको निकालना है एनर्जी स्पेक्ट्रल डेंसिटी, ये कैसे आएगी, ये आप ध्यान से देखिए. एनर्जी स्पेक्ट्रल डेंसिटी, बट हमें ऑटो कोरिलेशन का फूरियर ट्रांसफॉर्म बाद में लेना है, अभी हमें नॉर्मल निकालनी है एनर्जी स्पेक्ट्रल डेंसिटी. तो एनर्जी स्पेक्ट्रल डेंसिटी जो होती है, या स्पेक्ट्रल डेंसिटी जो होती है, हमने पढ़ रखी है लास्ट वीडियो में, वो होती है आपकी मॉड ऑफ xf का स्क्वायर. और xf क्या हमें पता है इस क्वेश्चन के लिए, तो आप देखेंगे ये आपका स्टैंडर्ड गेट फंक्शन या स्टैंडर्ड रेक्टेंगुलर पल्स है, जिसका आपको xf पता है, जिसका फूरियर ट्रांसफॉर्म हमें पता है. क्या होता है इसका फूरियर ट्रांसफॉर्म, a tau. tau कितना है यहां पर आपका 4 है टोटल विथ, तो 40 sinc f tau, तो कितना हो जाएगा 4f. ये हमें पता है, हमने स्टडी कर रखा है, ठीक है ना. a rect t by tau का फूरियर ट्रांसफॉर्म होता है a tau sinc f tau. नाउ अब अगर मैं इसकी एनर्जी स्पेक्ट्रल डेंसिटी लिख लूं, चूंकि यहां पर कोई j का टर्म तो है नहीं, तो जनरली आप सिर्फ स्क्वायर कर सकते हैं, मॉड लेने की कोई नीड नहीं है. तो 40 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1600 sinc स्क्वायर 4f. ये हमारा आ गया एनर्जी स्पेक्ट्रल डेंसिटी, ठीक है. अभी हम इसके लिए श्योर इसलिए नहीं है क्योंकि हमें अभी कंपेयर करके देखना है क्वेश्चन नंबर 4 में कि दोनों आंसर सेम आ रहे कि नहीं आ रहे. अगर दोनों आंसर सेम आ गए तो हम श्योर हो जाएंगे कि ये आंसर हमारा करेक्ट है. अब आपका थर्ड क्वेश्चन क्या है, rxx tau. rxx tau देखिए फिर से ये नॉन पीरियोडिक सिग्नल है, तो हम फिर से यूज करेंगे x tau convolved with x of minus tau. लेकिन आप देखिए यहां पर जो xt या x tau है आपका, वो इवन फंक्शन है, आप देख सकते हैं सिमेट्रिकल है y एक्सिस के. तो यहां पर x tau
convolved with x tau ही आप लिख सकते हैं, क्योंकि even function के लिए x of minus t या x of minus tau, x of t और x of tau के ही equal होता है. Clear है अच्छे से? अब आप देखिए, यहाँ पर दो rectangle, same rectangle का convolution, हम लोग study कर चुके हैं कि क्या होता है, rectangle का convolution हमेशा होता है आपका triangular, ठीक है? तो ये मैं आपके लिए आंसर डायरेक्ट लिख रहा हूं यहां पर, जो कि आंसर होगा आपका एक ट्रायंगुलर पल्स आपकी बन जाएगी. आप टाउ ले लीजिए इस तरफ, तो ट्रायंगुलर पल्स आपकी क्या बनेगी, लोअर लिमिट क्या होगी ट्रायंगुलर पल्स की, एडिशन ऑफ बोथ लोअर लिमिट. अपर लिमिट क्या होगी, एडिशन ऑफ बोथ अपर लिमिट. तो ये दो बार होगा ना आपका, तो लोअर लिमिट क्या होगी, -2 -2 -4, अपर लिमिट क्या हो जाएगी, +4. और आपको क्या सिखाया था, स्लोप क्या होती है, दोनों एम्पलीट्यूड का मल्टीप्लिकेशन, तो 10 × 10 100, तो स्लोप हो गई आपकी 100. सिमेट्रिकल फिगर है तो यहां हो जाएगी -100. और आपको सिखाया था मैं कि एम्पलीट्यूड होता है दोनों एम्पलीट्यूड का मल्टीप्लिकेशन, दैट इज 100 इनटू कॉमन विथ दैट इज 4, तो 400 हो जाएगा आपका. ये सारी चीजें आप ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं बहुत ज्यादा डिटेल में, जब हमने LTI सिस्टम का एनालिसिस किया था. तो ये हमारा बन गया है यहां पर ऑटो कोरिलेशन. अब इस ऑटो कोरिलेशन का अगर मैं क्वेश्चन नंबर 4 में फोरियर ट्रांसफॉर्म ले लूं, तो हमें स्पेक्ट्रल डेंसिटी मिलेगी, फिर से एनर्जी स्पेक्ट्रल डेंसिटी. तो अगर मैं पहले इस ऑटो कोरिलेशन को रिप्रेजेंट करूं, तो ये आपका ट्रायंगुलर पल्स है. कैसे रिप्रेजेंट होगा, ट्रायंगुलर पल्स का बेसिक नोटेशन क्या होता है, ए 1 माइनस मॉड ऑफ टी अपॉन टी, ये होता है हमारा बेसिक नोटेशन ट्रायंगुलर पल्स का. तो ये कितना हो जाएगा आपका 400, माइनस टी से प्लस टी होता है ना, तो 1 माइनस मॉड ऑफ टी अपॉन 4. ध्यान रखिएगा ये सारी चीजें आप स्टार्टिंग की वीडियोस में स्टडी कर चुके हैं. अब अगर आपको याद नहीं है तो आप पुरानी वीडियोस फॉलो कर सकते हैं. ये होता है ट्रायंगुलर पल्स का स्टैंडर्ड नोटेशन, ए होता है एम्पलीट्यूड और माइनस टी से प्लस टी तक ये फैला होता है, ठीक है? तो इस ट्रायंगुलर पल्स के लिए जो हम लोगों ने फोरियर ट्रांसफॉर्म देखा हुआ है, ए 1 माइनस मॉड ऑफ टी अपॉन टी का फोरियर ट्रांसफॉर्म हम लोगों ने देखा हुआ है ए टी सिंक स्क्वायर एफ टी, ये हमारा फोरियर ट्रांसफॉर्म हमने कैलकुलेट किया हुआ है, 3 to 4 वीडियोस पहले ही हमने कैलकुलेट किया होगा. तो अब आप देखेंगे अगर, तो यहां पर जो a है वो कितना है आपका 400, t कितना है 4, तो ये कितना हो जाएगा आपका फोरियर ट्रांसफॉर्म, ये हो जाएगा आपका 1600 सिंक स्क्वायर था आपका, और अंदर क्या है आपका ft, मतलब कितना हो जाएगा आपका 4f. तो ये आपका निकला है फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ rxx tau. एक बार हम वेरीफाई कर लेते हैं, जो हमने आंसर 2 कैलकुलेट किया था क्या सेम आया है, 1600 सिंक स्क्वायर 4f. तो यहां पर देख लीजिए 1600 सिंक स्क्वायर 4f, मतलब आप किसी भी प्रोसेस से स्पेक्ट्रल डेंसिटी कैलकुलेट करिए, एनर्जी स्पेक्ट्रल डेंसिटी कैलकुलेट करिए, आंसर आपका हमेशा क्या होगा, सेम होगा, ठीक है? तो ये आपका बेसिक अंडरस्टैंडिंग थी फॉर ऑटो कोरिलेशन एंड स्पेक्ट्रल डेंसिटी. तो यहां पर मैं अब आपका फोरियर ट्रांसफॉर्म टॉपिक जो है वो फिनिश कर रहा हूं. अगर आपको इस कंप्लीट टॉपिक में, बहुत ही बड़ा टॉपिक था, हमने बहुत सारी वीडियोस बनाई हैं इसके लिए, कहीं भी कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर पोस्ट करिएगा. और एक बार और कहना चाहूंगा कि सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये सिग्नल एंड सिस्टम में, तो इसकी प्रैक्टिस बहुत अच्छे से करिएगा. अगर आपको किसी एक्स्ट्रा न्यूमेरिकल आप सॉल्व करते हैं और उसमें भी कोई डाउट होता है, तो वो भी आप हमें मेल कर सकते हैं या कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर सकते हैं. नेक्स्ट वीडियो से हम स्टार्ट करेंगे लाप्लास ट्रांसफॉर्म. थैंक यू.